हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक और नया डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर है। इसको हम किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कोटी में, बच्चों के कार्डिगन में, किसी भी प्रोजेक्ट में हम फ्रेंड्स डाल सकते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। ये डिज़ाइन हमारा सीधी तरफ से शुरू होगा और इस डिज़ाइन में हमने डालने हैं फंदे, पाँच से गुणा होने वाले, पाँच पाँच के जोड़ हमने फंदे डालने हैं और चार फंदे हमने लास्ट में एक्स्ट्रा रखने हैं। तो मैंने यहाँ पे डाले हैं 24 फंदे, 5 × 20 और 4 फंदे एक्स्ट्रा। तो सीधी तरफ से ही ये शुरू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, यहाँ पे चार फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3 ये चार, चार फंदे उल्टे बनाएंगे। एक फंदा इस तरह से बैक लूप से स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे, 1, 2, 3 ये चार, धागा नीचे करेंगे, एक फंदा इस तरह से सीधी तरफ को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करके चार फंदे उल्टे, 1, 2, 3 ये चार, फिर धागा नीचे करेंगे, एक फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे और चार फंदे उल्टे, 2, 3, 4। फिर देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा इस तरह से लेंगे स्लिप करके और तीन फंदे आएंगे लास्ट में हमारे यहाँ पे उल्टे। अब सेकंड रो में देखिए, चार सिलाइयों का है ये पैटर्न हमारा। पहला फंदा बिना बुने उतार के, धागा अपनी तरफ करके, पहले हमारे तीन फंदे उल्टे आएंगे जिनको हमने उल्टा बुना था, 1, 2, 3 2 3 हो गए ये एच के साथ। और जो ये वाला फंदा है इसको हम यहाँ पे स्लिप करके ही लेंगे, इसको नहीं बुनेंगे। जो बाकी के फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बुनेंगे, 3 और स्लिप किया हुआ यहाँ पे चार आएंगे हमारे उल्टे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, 1, 2, 3 और ये चार, क्योंकि बीच में चार फंदे हमारे उल्टे थे, ये स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, फिर से चार फंदे उल्टे, 1, 2, 3 4 स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, बाकी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी दो सिलाइयाँ हो गई फ्रेंड्स। अब तीसरी रो में देखिए, अब हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4 चार फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे और जो स्लिप किया हुआ फंदा था इसको ऐसे बैक लूप से बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, 1, 2, 3 और 4 फंदे ऐसे सीधा बुनेंगे और जो स्लिप किया हुआ फंदा था उसको हम ऐसे बैक लूप से बुनेंगे। इस तरह से बैक लूप से बुनेंगे। ये तीसरी रो है हमारी। सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है, लेकिन जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको बैक लूप से बुनेंगे इस तरह से। और चौथी रो देखिए, सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, उल्टी तरफ से सभी फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं 4 रो को रिपीट करके हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बन के आया है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और इसको कोई भी बना सकता है। ये देखिए, ये सीधी तरफ से है और ये उल्टी तरफ से इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। यही 1 से लेके 4 तक हमने रो रिपीट करते जाना है। उसके बाद फिर से वही करेंगे, 4 फंदे, 1 फंदा स्लिप करके 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा स्लिप करेंगे 4 उल्टे, 1 फंदा स्लिप, जैसे हम मैंने फर्स्ट रो शुरू की थी उसी तरह से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर पैटर्न है और बारीक बारीक डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।